असलम नाजरन हमदान न्यूज़ के साथ मूँ सैद रमज़ान हमदानी नाजरिन आज हम बहाद्दीन जक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में मौजूद हैं और आज हमारे साथ वाइस चांसलर बहुद्दी जक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर मसूर अकबर कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं असल सर वालेकलम क्या हाल है अलहमदिल्ला सर आप कैसे हैं मैं ठीक हूँ शुक्र है सर आपकी जो सक्सेस स्टोरी है आप वी सी हैं यहाँ के तो आपको मुश्किल तो आई होंगी देखें जी लाइफ इज़ इट सेल्फ अ चैलेंज ज़िंदगी जो है ना ये ख़ुद इम्तिहान है वो इकबाल का एक शेर है आ, इलामा इकबाल का कि सख्त कुशी से है तलख ज़िंदगानी अंग अभी जिंदगी लहू तरंग है साकी न जल तरंग तो ये ज़िंदगी जो है ना ये खुद बड़ी सख्त चीज है किसके लिए थोड़ी आसान होती है किसी के लिए मुश्किल है वो अल्लाह की बेनियाजी है उसने जिस तरह कायनात बनाई है बट जिंदगी जैदोजैद है तो मैं अब चल रहा हूँ मैं आज से दस साल पहले गोमल यूनिवर्सिटी का वीसी लगा था नौ सन नौ था अब ग्यारह साल पहले तो मुझे एक दोस्त मिलने आया जो मुखलस दिनों का दोस्त था मैं तो डी खान में पैदा हुआ बड़ा हुआ हमदान न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगी हुई घंटी पर क्लिक करके लाल पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें तो उसने कहा ये सरह की में कहा कि जे जी सीट पे तू बैठ गया है ये कांटों की सेज है लेकिन यूनिवर्सिटी आगे न जाए तो पीछे तो न जाए तो मैं अक्सर वाइस चांसलर्स को मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी रहा मैं उनको कहता हूँ कि यार आप इसी बने बने यूनिवर्सिटी आगे ना जाए पीछे तो ना जाए तो मतलब ये है कि कोशिश हो के आगे है मेरा बस चले तो मैं इसको साउथ पंजाब का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड बना दूँ सॉरी पंजाब का या पाकिस्तान का इसको मैं अक्सर साउथ पंजाब का ऑक्सफोर्ड कहता हूँ क्योंकि इसमें अयाज़ महमूद और पढ़े लिखे लोग हैं अयाज़ महमूद गरीब अमीर तो सारे पढ़ रहे हैं तो ये है बाकी अब मैं अपने मुंह से सक्सेसफुल स्टोरी सुनाना शुरू करूं अच्छा नहीं लगता कहते ख़ूबसूरती वो जो दूसरे बोलें तो लगे हुए हैं चला रहे हैं ढाई साल हो गए जहर इस यूनिवर्सिटी में शुक्र है हमने इसको आबाद किया खुश्क जंगलों को नए जंगल बाग लगा दिए रोडों का आपको फ़र्क लगेगा क्लासेस कोशिश होती है हो तो यूनिवर्सिटी तो एक बहुत बड़ी दरसगाह है जहाँ किसी की बेटियाँ किसी के बेटे पढ़ते हैं और ये एक फ़र्ज़ है मैं समझता हूँ कि कोई शख्स अगर ईमानदारी से काम करे और अपना आराम सकून को थोड़ा मतलब सक्रीफाइस करके तो हशर के दिन मेरी एक बख्श का जहाँ नमाज रोज़ा होगा वहाँ एक ये होगा कि इसने कितना रिस्क हलाल कमाया या कितनी इसने अपनी प्रोफेशन से वफा किया खा वो पटवारी है खवा वो डॉक्टर है ख्वा वो प्राइम मिनिस्टर है या गवर्नर है जो भी है सर आपने कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की हुई है मैंने मैट्रिक किया था एक कैंट पब्लिक स्कूल छोटा सा स्कूल था कैंट पब्लिक वहाँ से मैं कच्ची से ले मैट्रिक तक पढ़ा बाद में वो फेडरल फेडरल स्कूल बन गया फेडरल पब्लिक स्कूल्स उस वक्त वो, वो कैंटोमेंट बोर्ड के अंडर था और उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जिसको बहुत पुराना कॉलेज है जिसको वैदिक बरदरी कॉलेज कहते थे हिंदियों के ज़माने से उसमें मैंने बीए किया फिर एम ए पोलिटिकल साइंस मैंने पेशावर यूनिवर्सिटी से किया उसके बाद फिर मैं बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मुझे मिला तो वहाँ मैंने फिर जाके लेक्चरशिप जॉइन की मुझे स्कॉलरशिप मिला मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना गया जहाँ मैंने एम एस किया दो साल मैंने पीएचडी में भी लगाए थे लेकिन चार साल पूरे हो गए थे स्कॉलरशिप ख़त्म हो गया था काम रहता था तो आई केम बैक फिर दस साल के बाद मैंने पीएचडी की 98 98 में यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से मैं पहला प्रोग्राम शुरू हुआ तो मैं रजिस्टर हो गया पहला मैं पी था पोलिटिकल साइंस में मेरी जो स्टोरी है ना जिंदगी की वो कामयाबियाँ और नाकामियाँ दोनों हैं और मैं ये समझता हूँ कि कोई शख्स जो है ना ज़्यादा सक्सेसफुल लोग वो हैं जो कामयाबी और नाकामियाँ दोनों से हैं एटलीस्ट मैं गुज़रा हूँ और नाकामियों को भी आप अपनी ग़लती या अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझें सर बी में जब आप आए तो बहुत ज़्यादा जैसे आप कह रहे हैं कि जंगल था मैंने बहुत ज़्यादा काम किया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की इस बारे में आप क्या कहेंगे कि जब आपने ज्वाइन किया था क्या क्या खामियां थीं जो आपने अब यूनिवर्सिटी के इंतज़ाम को बेहतर किया है देखो खामियां नहीं थी दो जंगल यहाँ खड़े थे जो कि खुश्क थे तो मैंने पूछा नौ साल से खुश पड़े हैं उस उसकी लकड़ी चोरी हो रही थी और एक साल में उसको ऑब्जर्व करता रहा और बहुत खुश्क जंगल थे बिल्कुल वीरान खुश उसमें आग लग जाती अगर कोई आग लगा देता तो ये बुझनी नहीं थी मुल्तान के फायर ब्रिगेड से तो मैंने कहा कि मैं इसको ऑक्शन करूँगा कीमती मतलब कीमती और ना कीमती लकड़ी भी थी दोनों तो मैंने उसको ऑक्शन किया मुझे लोगों ने कहा कि सर ये एंटी करप्शन केस बन जाएगा या नैप में तो आप ना करें मैंने कहा जी खुश कह क्यों उन्हें करूँ मैं मैं भुगतूंगा ठीक है ना तो वो मैंने एक्शन किया फिर मैंने एक को आबाद किया खुद अपने माली और एल पी पी लोधरा प्रो पायलट प्रोजेक्ट ने मेरी हेल्प की बड़ी कीमती उन्होंने मुझे वो दिए कीमती पौधे दिए आप देख सकते हैं कभी उसकी तस्वीर ले लब तो जंगल बन चुका है और फिर अफ्ताह हुआ जहांगीर तरीन साहब आया था उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसने कहा था कि मैं आना चाहता हूं तो मैंने कहा जी कि भी इसका कर लें क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट आपका था उन्होंने मेरी हेल्प की वो आया और एक को मैंने आउटसोर्स किया जिसमें चावल और गंदम और मकई हुई है बड़ी वो आउटसोर्स किया वो पैसा यूनिवर्सिटी को आता है और कुछ बाईस एकड़ ज़मीन चार दीवारी के बैर थी जिसको मैंने आउटसोर्स किया वहाँ मछली के तालाब बन गए वो ज़मीन इनसे कब्जा हो जानी थी क्योंकि वो चार दीवारी के बैर थे इर्द गिर्द सारी कॉलोनी बन गई थी उससे काफ़ी रेत भी लोग ले गए खड़े बन गए उसको आबाद किया एक प्रोजेक्ट था जिस तिरपन करोड़ का जिसके पाँच करोड़ आए थे सन सत अठारह में वो आया वो बन नहीं सका उस पर कोई कई वजह थी अब मैं बेहतर है ना बताऊँ मैं गिया है है। दिस मैं उसको ले आया और मैंने बना दिया वो इंस्टीट्यूट और हॉस्टल तिरपन करोड़ उसमें बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि इस्केलेशन हो गई थी चीज़ें महंगी हो गई थी डॉलर की कीमत रुपए के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो गई थी उसके अलावा फिर बाकी कई थे कई काम थे तो लगे रहते हैं फिर टीम वर्कअप मारी है लगे रहते हैं मतलब है, ये था सर पिछले दिनों आपने यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात के लिए एक बेरोज़गार जो है ना उनको रोज़गार देने के हवाले से आपने एक ब्लाग का इफ्तता किया वो सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल भी हुआ उस हवाले से स्टूडेंट को तलबा तलबात को क्या फ़ायदा होगा उसका बड़ा फ़ायदा है एक तो ये है कि वो इनको गाइडेंस देता है देखो यंग को ये नहीं पता होता कि आपने कहाँ अप्लाई करना है आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है यू गेट माई पॉइंट है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो कैरियर शुरू किया टीचिंग का शौक था पोस्ट नहीं थी तो मुझे बलोचिस्तान से एक मेरा दोस्त था जो डिप्टी सुप्रीटेंडेंट जेल बन गया था वो मेरे साथ पढ़ता था उसने मुझे ख़त लिखा एडवर्टाइजमेंट भेजी कि मुझे तो टीचिंग का शौक़ नहीं है और आपकी बी ग्रेड है आप अप्लाई करें और आप अच्छे बोलने वाले हैं तो आप हो जाएंगे तो यू गेट माई पॉइंट है ना वरना मुझे तो क्या पता था उस ज़माने में 79 नाइन में ना अखबार थे मैंने अप्लाई किया मैं अपीयर हुआ तो सेलेक्ट तो नहीं हुआ लेकिन उन्होंने मुझे अड्हा पे रख लिया था फिर छः महीने में मैंने काम किया फिर छः महीने बाद परमानेंट हो गया और जिसको कहते हैं और ये क्रेडिट इस गवर्नमेंट को जाता है जो पीटीआई है इन्होंने ये एहसास पर कई काम इनके बड़े सल्यूटेबल हैं मैंने ये किया कि अपनी एक लाइब्रेरी में जो बिल्डिंग थी उसको डेकोरेट किया एच का फंड था और एक कामयाब नौजवान एक सेंटर खोल दिया जिससे काफ़ी हेल्प होती है लोग जाते हैं ओरिएंटेशन लेते हैं और उनको ये बताते हैं कि आप क्या करेंगे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं दिस दैट क्योंकि हमारे अक्सर यंगस्टर जो है ना जो अयास क्लास से है गरीब क्लास से हैं कोई राजनपुर से है से का है कोई भारती का लड़का है उसके पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं होते ना उस लेकिन इनर्जेटिक है उनको अपने गाइड करना है गाइड करना है ये जो गाइडेंस होती है ना एक मशवरा उसको उसको ये कहना कि बेटा ये रास्ता नहीं है तेरा ये रास्ता है तू तो ऐसे जा ये मैं आपको आसान करके बता रहा हूँ टेक्निकली तो तो वो एक कामयाब सेंटर है अच्छी बिल्डिंग है वहाँ जाके ब, जाते हैं बैठते हैं आप उसको भी कभी विजिट करें कभी मैंने कुछ दिन उसका इफ्त किया था कामयाब जवान सेंटर जिसको रोज़गार सेंटर भी आप कह सकते हैं क्योंकि हमारे जो यंगस्टर हैं ना जो कल का फ्यूचर है वो तो न जो जवान हैं इनको तीन चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इसमें ज़्यादा गरीब तबके के लड़के हैं जो इनको एक ये बताना कि बेटा आपका बी ए गुड स्टूडेंट ये टीचर का काम है क्लास में क्लास से बैर दूसरी बात यह कि आप के लिए ये ये जगह हैं और तीसरा ये उनको एक कॉन्फिडेंस देना उनको ज़रा एक प्यारा मशवरा देना ये बहुत ज़रूरी है इससे फिर माशरे में वायलेंस भी कम होगा फ्रस्ट्रेशन भी कम होगी क्योंकि हमारे जो जवान हैं ना इनका सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई है इसलिए ये मार धाड़ में आगे आते हैं अमीर का जो बेटा है ना इन मेजॉरिटी वो उसका मसला और है उसके पास चैनल भी हैं तो ये ये था सर सादगी के हवाले से आपकी मिसाल नहीं मिलती पिछले दिनों आपकी वीडियोस वायरल हुई थी जिसमें आप पौधे लगा रहे हैं आपने किसानों की तरह काम कर रहे हैं आपने शलवार वगैरह ऊपर की हुई तो इतनी सादगी नहीं सादगी के अलावा मैंने कीमती बूट पहन बूट पहने हुए थे जुरा अब मैं जो जाता सारे मेले ले जाते तो मैं उस दिन सलवार कमीज में था तो मैंने सलवार ऊपर करके मैंने इनको कहा मैं जूते उतार लेता हूँ और माली भी लगे हुए थे तो एक तो मालियों का मोरेल हाई हो जाता है साहब वीसी ख़ुद अंदर आ गया और वो बड़ी कीमती प्लांटेशन हो रही है वही है जिसका एक हिस्सा रह गया था फिर ये लोधा प्रोजेक्ट वालों ने मुझे वहाँ एक ट्यूब वेल लगा दिया तो उसके लिए हमने आम के पौधे मंगवाए थे और भापा जो था प्रोफेसर वो भी मेरे साथ था एहसान भापा जिसका जिसने बड़ा काम किया है देखिए लीडरशिप जो होती है ना ये रोल मॉडल है जब आप छोटे थे आप सुनते थे हज़रत उमर गॉड ब्लेस सोल कि वो रातों को घूमता था तो वो रातों के घूमने का वो एक रोल मॉडल था कि वो रात को घूमता था तो अब तो प्राइम मिनिस्टर प्रेजिडेंट रात को नहीं निकल सकते लेकिन ये है कि जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं पार्टिसिपेंट रोल आप खुद हिस्सा हो जाए तो उसमें आप फिर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है तो मैं वो अंदर चला गया फिर आजकल ये व्हाट्सएप आ गए वायरल हो जाता है आधे घंटे में हर चीज़ वायरल हो जाती है तो वो ऐसा था मैंने कहा यार मैं अंदर घुसता हूँ तो मिट्टी थी बहुत मैंने सलवार ऊपर कर ली मैंने कहा जी ताकि ये काम हो जाए और वो अच्छा सुथरा हो रहा है दो साल बाद ये लाख रुपये में ये भाग जाएगा आम का मुल्तान की ज़मीन में आम हर ज़मीन पे आम नहीं होता मुल्तान की ज़मीन में आम बड़ा कामयाब होता है तो हमने आम की प्लांटेशन की थी वो ये था तो बात यह देखो सादगी होनी चाहिए मैं अक्सर कहता हूँ कि लीडरशिप को तीन क्वालिटीज़ लीडरशिप की होनी चाहिए ये बात अब रिपीट होती है एक उसमें ऑनेस्टी हो एक करेज हो एक उसमें हम्बल्नस हो ये जो है ना आ, कहते हैं जब मेराज पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए अगर मैं ग़लत हूँ अल्लाह माफ़ कर दे स्कॉलर से सुना तो अल्लाह ने कहा क्या अल्लाह है उसने कहा सर मेरे साथ ए, उसने कहा या अल्लाह पाक मेरी क्या हैसियत लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज़ है शायद आपके पास भी न हो वह है आज जी देखो गकबर या जो बड़ाई है वो रब के साथ सजती है और कहते ये हैं कि इंसान की दो चीज़ें ऐसी हैं जो रब को बहुत बुरी लगती हैं और अल्लाह की बेनियाजी उसमें हरकत में आती है अल्लाह की बेनियाजी से इंसान को डरना चाहिए वो एक है जुलम और एक है गरूर कि मैं बात तो सर आप गोमल यूनिवर्सिटी के भी वीसी रहे इधर आप आप बी के वीसी हैं है वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा है देखो ये एक सर मैं कहता हूँ ये तीन यूनिवर्सटियाँ इनका कल्चर मिलता ये है ये तीनों यूनिवर्सटियाँ जुल्फ़ार भट्टो अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे उसने एक स्ट्रोक ऑफ पेन से बनाई थी गोमल यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान एंड बहावलपुर पर इनके नाम इसका तो नाम चेंज हो गया उसमें इस्लामिया एड हो गया तो ये यूनिवर्सिटी बनाई थी ये बड़ी यूनिवर्सिटियाँ तीनों और ये साउथ पंजाब और पखतनख्वा का भी सरह की बेल्ट है इस यूनिवर्सिटियों का बहुत एहसान है मैं आपको बताऊँ भुटो ने कहा था कुछ उस वक्त की जो लोग साथ थे कि उसने किसी लोगों ने कहा ये तो उसने कहा जी मैं सरह की बेल्ट का बहुत खैर खाह हूँ और मुझे बड़ा दिली दिल्ली है कि ये बेल्ट ऊपर आया तो उसने कहा मैं अंग्रेज़ी में तीन ट्रम्प कार्ड फेंकूँगा उसको आप फिर आपको हेल्प होगी गेम में तो वो ये है अब देखिए मैं अक्सर देखता हूँ मुझे एक दफा मेरे ड्राइवर को मोटरवे पर चेक कर लिया गया तो उसने फिर जुर्माना नहीं किया उसने कहा जी अच्छा बिजी जी मैं बिजी जी का ग्रेजुएट हूँ मैंने एम एस सी सैकाली सॉरी सोशलॉजी किया था फिर मैं इंस्पेक्टर भरती हूँ तो मेरा मतलब ये है कि ये बड़ी यूनिवर्सिटी है गोमल यूनिवर्सिटी भी बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस वक्त मैं थोड़ा यंग था मैं चार साल उसका वी सी रहा फिर मेरी उसके बाद एच ई सी में मुझे डिपोटेशन पर ले गए मेंबर था एग्जेक्टिव डायरेक्टर भी मेरे पास चार्ज था फिर मेरी रिटायरमेंट आ गई तो यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान में वापस गया दस दिन और रिटायरमेंट हो गई मेरी फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया और इस्लामिक यूनिवर्सिटी में कॉन्ट्रैक्ट पे तो पौने चार साल पढ़ाया फिर मैं यहाँ वी सी ए पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी मैंने अप्लाई कर दी तो मैं नंबर टू हो गया था तीन का पैनल में तो वन रिफ्यूज़ टू कम वो वन वे आर अनदर उसने कहा मैं नहीं जाता बिजी हूँ मैं नहीं करता वो डीन था कॉम सेत का आजकल वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का वीसी है तो मैं फिर आ गया तो ढाई साल गुजर गए पता नहीं चला अपडेट और रह गया और इसी तरह जिंदगी भी गुजर गई हमारी अब तो कब्र की तरफ थोड़ा डिस्टेंस है ना एज वाइज भी अब यह सर यूनिवर्सिटी में जब आप आए थे तो मुख्तलिफ़ पॉलिसियाँ थी ख़ामियाँ थी अब आपने क्योंकि गरीब तलबा भी होते हैं यूनिवर्सिटी में उनके लिए कोई पला पॉलिसी बनाई हुई है कि उनको सपोर्ट किया जाए ताकि वो वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें देखिए मेरा जो बस चले तो मैं फ़ीस ये चीज़ें भी ख़त्म कर दूँ लेकिन हमारी दुशारियाँ होती हैं लेकिन मैं एक बात बताता जाऊँ कि जो बाहुल्दीन जक्रिया यूनिवर्सिटी है ये फिर भी सस्ती यूनिवर्सिटी है और इसमें ट्राइबल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं बलोचिस्तान के फ्री ऑफ कास्ट जो कि शबाज़ शरीफ ने कोई एक दफ़ा किया था मुझे उस पर इतराज़ था इतराज़ ये नहीं था कि लड़के ना पढ़ें वो भी हमारे बच्चे हैं लेकिन यूनिवर्सिटी को तो उनके हॉस्टल भी फ्री है तो हमें कुछ तो मिलना चाहिए और मैंने एम पी एज एम एन एज से कहा कि आप ऊपर बोले ठीक है वो पढ़ें आपकी बच्ची भी तो कोयटा और पिशावर में फ्री पढ़े ना जो यहाँ के मुल्तान डिवीज़न के लड़के हैं राजनपुर का लड़का एक मतलब मेरे पास एक लड़की मिलने आई जिसने जिसकी वजह से मैं बुरा ये मैंने पे बाद में एक्शन किया था काफ़ी इस पर शोर हुआ उसने मुझे सराकी में बोला कि मेरी माँ और बहनें नकरानी आए खानी न ख़ानों के घरों में और मैं पढ़ रही हूँ मैं फ़ीस देती हूँ और ये तो उस पर फिर मैंने ये कहा था कि जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे लेकिन पिछले बीस से फ्री नहीं पढ़ेगा लेकिन वो फिर बाद में रूल हो मुझे कहा था आपको हम पैसे देंगे हमारे आज तक बहाउद्दीन सक्रिय यूनिवर्सिटी का ये जो फ्री लड़के पढ़ रहे हैं इकतालीस करोड़ रुपया हमारा बनता है लेकिन हमें एक टक्का भी नहीं मिला मिलना चाहिए वो पढ़ें वो खुशी से पढ़ रहे हैं उनको अच्छी तालीम मिल रही है लेकिन हमारा हम ये कहते हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना हमारी हम नई बसें खरीदना चा, खरीदना चाहते नहीं खरीद सकते कंस्ट्रेन है हम फीसें बढ़ाते हैं तो लड़के शोर करते हैं आखिर खर्चा होता है ना करोड़ों रुपए मेरा आ, बिजली का खर्चा होता है करोड़ों रुपए एक अब वो कुछ कम हो गया है कुछ सोलर दिया है हमें और ये अख्तर मलिक साहब जो मिनिस्टर हैं इसने हमारी बड़ी हेल्प की मैं इससे इम्प्रेस हूँ हमें एक फ़ंड दिया एक हमने प्रोजेक्ट हमारा सोलर एनर्जी का यहाँ अप्रूव हुआ और अभी एक एग्रीमेंट हुआ गवर्नर साहब भी उसमें बड़े एक्टिव थे उमर अयूब आया एक एग्रीमेंट कुछ यूनिवर्सिटियों का हुआ तो मेरा मतलब कहने का ये है कि फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी इम्पॉटेंट होती है तो मैंने इनको ये कहा था कि पखतनख्वा की गवर्नमेंट और बलोचिस्तान की गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट तो हमारा जो हक है वो तो दे उनका क्या जाता है एक कलम चलेगा तो वो फिर ये था वो ये है कि तेईस तक ये फ्री पढ़ेंगे तेईस से मुरादे अट्ठाईस तक फ्री पढ़ेंगे जो तेईस का बैच आएगा वो अट्ठाईस तक तो ये था ये, ये ज़रा टची सब्जेक्ट था लेकिन इसके पीछे मारा, मेरा विजन ये था कि यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को फील करते थे कि जी हाँ हाँ, मतलब है देखें सारा सारे पानी पी रहे हों तो फर्क नहीं पड़ता लेकिन एक ठंडा एक कोक पी रहा हो एक को आप पानी दें तो फ़र्क हो गया ना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हैव और हैव नॉट्स जिसकी वजह से फिर मुशरे में वायलेंस आता है बदमनी आती है आपने हमेशा बड़े ख़्वाब देखे हैं आप अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे या आपने सोचा था कि मैं वीसी बन जाऊंगा और इस तरह मुल्क को कौम की खिदमत करूंगा? देखें जी वीसी मैं नहीं भी था मैं पहले लेक्चरर लगा सेवेंटीन ग्रेड में फिर असिस्िस्टेंट प्रोफेसर हुआ फिर एसोसिएट हुआ फिर मैं प्रोफेसर लगा फिर मैं थ्री टाइम्स डीन बना फिर मैं वी बना फिर ई फिर वी हर लेवल पर मेरा रोल था मैं स्कॉलर था पाकिस्तान चेयर पे तो मैंने टर्की पे किताब लिखी उसको अपनी एक हज़ार डॉलर जेब से दिए और मैंने वो किताब पाकिस्तान टर्की फ्रेंडशिप को डेडिकेट की कई उसकी ज़िल्दें आई अब तो आउट ऑफ प्रिंट हो गई टर्की मिक्स ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट उसमें दो तीन चैप्टर दिए थे कि पाकिस्तानी उसको क्यों टर्क लाइक करते हैं ये पाक टर्क फ्रेंड्स तो हर लेवल पे एक रोल होता है जैसे आज आप ए, मीडिया के साथ काम कर रहे हैं आप आपका एक रोल है ना हर शख्स का एक रोल होता है मेरा ड्राइवर है मैं उसको अक्सर कहता हूँ देखो तेरा बड़ा रोल है तेरी एक गलती जो है ना वीसी की ज़िंदगी ख़त्म कर सकती है वो तो ऐसे रब के हाथ में है ड्राइवर को मैं अक्सर कहता हूँ कि फ्रेश हो ये दिस दैट हर शख्स का एक रोल होता है हर शख्स का एक करदार है जैसे हमारे माशरे में जो हाउस वाइफ है जो गरीब घरों की औरतें हैं देखो वो कई दर गरीबी में अपने चार चार सात सात बच्चों को पाल के बड़ा करती है उसको सतारा इम्तिया तो नहीं मिलता किसी हाउस वाइफ को या उसको कोई शायद पूछता भी नहीं होगा साइलेंटली साइलेंटलीबत में मर जाती है लेकिन वो जो एक सर्विस दे जाती है ठीक है ना हाउस वाइफ का बहुत बड़ा मकाम इस तरह बाप है या उस्ताज है लेकिन उस्ताज और मौलम का माशरे में बड़ा मकाम है अगर ये अपना करदार से गिर जाए तो फिर उस माशरे में बदअमनी बदसलूकी नाइंसाफी बढ़ेगी देखें जिस माशरे में नाइंसाफी हो लोग भूखे सोएं वहाँ आप अमन की उम्मीद कम रखें खुशहाली की ये था सर पिछले दिनों में जो यहाँ के इस एहतजाज वगैरह कर रहे थे वो कहते हैं हमें हक़ नहीं मिलता हक नहीं मिलता रोड्स बुला किए हुए थे उस पर आप क्या कहना चाहेंगे तो गलत किया मैं अभी भी कहता हूँ मैंने उनके सामने भी बोला कि आपने ऐसे जक मारा है उस्ताद का ये मकाम नहीं हो गेट बंद करके रोड को ब्लॉक करना ये यूनियन वाले भी साथ है कहते हमारी मजबूरी है हालांकि भाई प्रोवेंशल गवर्नमेंट का एक ऑर्डर है और प्रोवेंशल गवर्नमेंट भी जो है ना भाई एक ऑर्डर निकालते हो तो वो सब के लिए हो वही जो मैंने आपको कहा कि कोई कोक पिए थे कोई किसी को पानी ठंडा ना मिले तो बंद भाई आपसे एक ही पॉलिसी हो वो पच्चीस परसेंट था अब इनका एहतजाज ठीक था क्योंकि एक ऑर्डर है तो भाई इनके भी बच्चे हैं ये भी कैडर है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ ये ऑफिशियल पासपोर्ट होता है आपको समझ नहीं आएगी ब्लू पासपोर्ट पाकिस्तान का ये कि अगर कोई टू थ्री स्टार जनरल रिटायर हुआ मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल और 22 ग्रेड का सिविल सर्वेंट मैं 22 ग्रेड में रिटायर हुआ जब आप प्रोफेसर हों चार साल वी सी रह जाएँ पब्लिक यूनिवर्सिटी को 22 मैं 22 ग्रेड में रिटायर हुआ मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने अप्रूव भी कर दिया मैं किसी वक्त अदालत जा सकता हूँ उसके खिलाफ मुझे नहीं दिया कहते जी आप सिविल सर्वेंट नहीं हैं आप तो प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के वो यार मुझे पी तो एक ही था ना तो मैं समझता हूं कि ये गलत है मेरी बात समझ रहे हो भाई आपका ये कानून कहता है कि जो 22 ग्रेड में रिटायर हो उसको ऑफिशियल पासपोर्ट मिले तो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जो वी सी रहा है उसको आप कहते नहीं जी आपको नहीं मिल सकता मुझे ने कहा जी आपको नहीं मिल सकता आप सिविल सर्वेंट होते या टू थ्री स्टार जनरल होते एयरफोर्स या नेवी फिर आपको मिलता तो देखिए हमारा जो माशरा है ना अब इस पर तो हर आदमी बात कर सकते हैं नहीं यहाँ ना इंसाफियत तो है ना जो हम भुगत रहे हैं आज यहाँ गरीब और अमीर में फ़र्क तो बड़ा है ना लेकिन अल्लाह करे कि ये देखो मैं तो खुद नेशनलिस्ट हूँ आई लव माय कंट्री ये मुल्क ऊपर आए और बड़ा इंप, इंप, जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट मुल्क है मुल्क है तो हम हैं ठीक है मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से कहता हूँ और कि आपको ऐसे तो कई मोहब्बतें हो सकती हैं तीन मोहब्बतें बहुत ज़रूरी हैं लव योर कंट्री और लव नॉलेज कोई जबान सीखना नॉलेज बी गुड स्टूडेंट नॉलेज अगर आप सोशियालॉजी पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस तो बी अ गुड स्टूडेंट एंड वन लव डेमोक्रेटिक प्रोसेस मैं खुद डेमोक्रेसी का लोकल बॉडी सिस्टम हो जमहूरीत का कैल हो और मुझे बड़ा दुख होता है जो मैं देख रहा हूँ गाली गलोच मुझे दुख होता है मैं कि अपनी ये सेइंग है मैं इंग्लिश में दोहरा देता हूँ द नॉइस एंड इनडिसिप्लिन ऑफ डेमोक्रेसी इन लॉन्गर रन फॉ बेटर स एंड डिसप्लिन ऑफ डिकेटरशिप मैं जमूरीत का कहल हूँ मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जिंदगी में रखो क्योंकि स्टूडेंट्स ही हमारा कल का होप है मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा कि जो सिंपल स्टूडेंट थे फिर 20 साल में वो डेप्टी कमिश्नर थे या बड़ी पोस्टों पे बैठे थे मैंने तो नॉन एल एल बी ओ के आठ साल लॉ कॉलेज में भी पढ़ाया कोयटा में तो एक जिंदगी का मैंने हिस्सा तो टीचिंग और रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेशन में गुजार दी मुझे आज बयालीस साल हो गए मैं रिटायर तो हुआ लेकिन मैं किसी न किसी लगा हूँ जॉब में रिटायर हुआ तो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लग गया पीएचडी एमफिल डी एम फिल और उसके बाद इधर आ गया तो आज बयालीस साल से तो मेरा चल रहा है सिस्टम अब डेढ़ साल मेरा रह गया अलग ख़ैर से गुजारे इसको तो ये है जी अच्छा सर अब आखिर में आप भेजड़ियो यूनिवर्सिटी के तलबा और तलबात को क्या पैगाम देना चाहेंगे देखें जी मैं बी जू के स्टूडेंट्स को और वैसे भी एज ए उस्ताद ये कहूँगा कि बी गुड स्टूडेंट्स अपनी तालीम पे ज़्यादा तोजह दें प्यार मोहब्बत इतफाक़ से रहें मुझे बड़ा दुख होता है कि एक स्टूडेंट दूसरे का सर फाड़े ठीक है ना वो भी किसी का बेटा है किसी बहन का भाई है कि कोई जख्मी होता है वो भी किसी का बेटा है तो बाय द एंड ऑफ द डे तो दोनों लूजर है ना आप आते हैं स्टूडेंट्स फिर अपनी सेहत का ख़्याल रखें गेम्स में हिस्सा लें और इधर उधर देखा करें चैनल देखा करें कोई एडवरटाइजमेंट अखबार में देखा करें देखा करें सक्सेसफुल स्टोरीज़ को फॉलो करें और आपका जो चैनल है हमदान ये अच्छा चैनल है आप देखो अब तो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं और वैसे भी हमदान चैनल को भी देखा करो जो आप, आपके कई एडवर्टाइजमेंट आती हैं प्रोग्राम आप लगे रहते हैं तो अच्छी बात है अच्छी बात है हम तो आजकल मीडिया के एज में रह रहे हैं ना मीडिया भी एक सतून बन गया है रियासत का जिस तरह जुडिशरी है इस पाकिस्तान में इस वक्त जो फोर्सेस हैं उसमें मीडिया भी एक फ़ोर्स है और मीडिया का पॉजिटिव रोल हो तो आप लोग अच्छे लगे रहते हैं और मैं आपको इंटरव्यू भी दे रहा हूँ और मैं कह देता मैं नहीं देता आ, मैं स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई प्रोजेक्ट हो आप हमदान जो आपका चैनल है और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन उससे हेल्प ले आप इनकी हेल्प किया करें तो नाजरीन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़